बेहद चौंकाने वाली शॉकिंग और दुखद खबर, बिग बॉस के बड़े कॉन्टेस्टेंट, चर्चित कॉन्टेस्टेंट स्वामी ओम का निधन हो गया है। जी हाँ, स्वामी ओम का निधन हो गया है। पिछले काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे और उन्हें 3 महीनों पहले कोरोना पॉजिटिव भी हुआ था। हालांकि कोरोना से ठीक हो गए थे, लेकिन कमजोरी की वजह से उनको चलने फिरने में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। स्वामी ओम के बेटे मुकेश जैन ने स्वामी ओम के दोस्त हैं मुकेश जैन, उनके बेटे अर्जुन ने जी से बात की है। उन्होंने बातचीत में बताया कि उन्हें पैरालिसिस हुआ था और जिसके बाद उनकी हालत ज़्यादा बिगड़ गई और उनका आधा शरीर पैरालिसिस का शिकार हो गया, और जिसके बाद बताया जा रहा है कि आज उनका अंतिम संस्कार निगम बोध घाट दिल्ली में किया जाएगा। मैं आपको बता दूँ, स्वामी ओम पेशे से एक स्वामी थे और उनका जो आउटलुक था वो एकदम धार्मिक तरीके से, उन्होंने उनकी दाढ़ी, उनके कपड़े और वो आउटलुक के साथ वो आए थे बिग बॉस के घर में सीजन 10 में, और वहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा चर्चा बटोरी, क्योंकि जिस तरह का उनका व्यक्तित्व था वो उन्होंने काफ़ी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज़ की। सलमान खान पे केस ठोकना हो या सुप्रीम कोर्ट के जज पर टिप्पणी करना हो, बहुत सारी ऐसे विषय आए जहाँ उन्होंने चर्चा की। साथ ही साथ स्वामी ओम ने बिग बॉस के घर में भी ऐसी कुछ चीज़ें कर डाली जो बिग बॉस के इतिहास में हमेशा याद की जाएंगी। जब भी कोई कॉन्टेस्टेंट आता है और कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट करता है या अलग जोन में जाता है तो उसे कहा जाता है कि स्वामी ओम बनने की कोशिश कर रहा है। स्वामी ओम की अपनी एक जगह है बिग बॉस में, जहाँ अगर हम बिग बॉस की बात करें अलग चर्चित किरदारों में, हालांकि लोग उन्हें बहुत बिग बॉस के अलावा बहुत जानते थे और हमेशा वो चर्चा में रहते थे। उन्होंने काफ़ी बार ये भी कहा कि उनको कॉन्ट्रोवर्सी में रहने के लिए कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्वामी ओम का निधन हो गया है और उनकी ये जानकारी सामने आ रही है कि आज उनका अंतिम संस्कार होगा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और फीफा फूस की पूरी टीम की ओर से उनके परिवार को डीप कंडोलेंसेस।